ये ज्ञानियों की होली होगी, ये प्रेमियों की होली होगी। तो ज्ञान और प्रेम सब आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता है। इसलिए बाहर के सामान की कुछ व्यवस्था नहीं चाहिए होती। वी डोंट नीड एनीथिंग। हमारा मन और हमारा हृदय, हमारी भावनाएं ही काफ़ी हैं इस खेल को खेलने के लिए, जिसे कहते हैं होली। वैसे होली इट डिपिक्ट्स अबाउट द पास्ट, जो हो चुका है। जैसे हम कहते ना, वो बात तो होली, अब की करो, वो पहले हो चुका, उसकी बात अब मत करो। होली, तो हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि पूर्णिमा को रात्रि के समय पर अग्नि का दहन होता है, होली का दहन होता है। होली जलाई जाती है क्योंकि प्रहलाद के साथ ये कथा जुड़ी है कि हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को कहा था, जिसे वरदान था, कि तुम प्रहलाद को, अपने भतीजे को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम तो मरोगी नहीं, जलोगी नहीं, क्योंकि आपको आशीर्वाद है, आपके पास शक्ति है। और ये जो पुत्र कुपुत्र है, जो मेरा कहा नहीं मान रहा, जो मुझे ईश्वर नहीं मान रहा, जो मुझे भगवान नहीं मान रहा, ये जल के मर जाएगा। तो होलिका जलाई जाती है, बहुत प्रदेशों में आज भी जलाई जाती है। और उसको एक, जैसे उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व बहुत ज़ोर से मनाया जाता है कि अग्नि जलाते हैं, इट्स लाइक बॉन फायर, और उसमें आहुतियाँ लोग देते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी, उत्तर भारत में बहुत प्रदेशों में होली का दहन भी होता है। तो आग जलाई जाती है और वो पूर्णमासी की रात्रि को होता है। अब आमतौर पर क्या है, वो कह रहे लकड़ी, सूखी घास डाल दी, आग लगा दी, तो बोले हो गया होली का दहन। अब आप सब लोगों ने शायद ये होली का दहन किया नहीं है, लेकिन आज आपको यहीं बैठे बैठे उस होली का दहन करने का जो आध्यात्मिक अर्थ है, सो मैं बताती जाऊंगी। और अगर संभव हो सके तो अपने मन में इस होलिका को तुम जला सकोगे। होली, दैट विच हैज हैपेंड। तो अपने मन में ज्ञान की इस अग्नि को जलाओ कि ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और उसके अलावा सारा संसार असत्य है, मिथ्या रूप से हमको दिख रहा है। और इस मिथ्या शरीर, मिथ्या संसार को सत्य मानकर जो भी हमने कर्म किए, वो शुभ हों वो अशुभ हों, उन सब कर्मों को ज्ञान की इस अग्नि में मैं दहन करता हूँ। होली, जो हो चुका वो हो चुका, वो पुण्य था वो पाप था, शुभ था अशुभ था, उस सब को मैं इस ज्ञान की अग्नि में आहुति बना करके जला दूँ। जो हुआ मैंने अज्ञानतावश किया, शरीर को मैं मान के किया, हे प्रभु अपने आप को मैं अब समझता हूँ। तो ये जाना, जिस मन ने विचार किया था और जिस शरीर ने कर्म किए थे, ना वो शरीर मैं हूँ, ना वह मन मैं हूँ। इस मन और शरीर के द्वारा हुए उन कर्मों को ज्ञान के इस अग्नि में होली का दहन कर दो। कहते हैं होलिका जल गई थी लेकिन प्रहलाद बच गए थे। ऐसे ही तुम्हारे चित्त में अगर यह वैराग्य की अग्नि जल गई, तो तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों का, देखो शुभ कर्मों का अभिमान होता है और अशुभ कर्मों के लिए हमको ग्लानी होती है, ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कहो तुमने चोरी की, तुमने झूठ बोला, तुमने किसी का हक खाया, तुमने किसी गरीब को सताया, तुमने किसी की हत्या कर दी, तुमसे बलात्कार हो गया, तुमने किसी का माल हड़प लिया, लोभवश क्रोधवश कर्म मनुष्य ने कर दिए, अब क्या करें। जब उसको अब सोचता है तो बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि ये कर्म मैंने क्यों कर दिया। जो तो पेशेवर अपराधी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मैं उनकी बात कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य है वो अपने किए हुए गलत कर्मों के लिए पीड़ित भी होता है और मन ही मन डरता भी है, सोचता भी है कि इसका जो दंड है जब मुझे भुगतना पड़ेगा तब मेरा क्या होगा, मैं कैसे इससे मुक्त हो पाऊँगा। उसी के साथ साथ जितने शुभ कर्म हम करते हैं उन शुभ कर्मों का एक अभिमान होता है, मैंने चार धाम किए हैं, मैं रामेश्वरम हो आया हूँ, मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग, मैंने 12 जो शिव के स्थान हैं उन सब का दर्शन कर लिया है, हम मानसरोवर हो आए हैं, हमने इतने धर्मशाला बनवा दिए हैं, हम इतनी विधवाओं को भोजन देते हैं, हम इतने गरीबों को ये देते हैं, हम हर शनिवार जाके दान करते हैं, हम हर मंगल को भी दान करते हैं, तो अपने द्वारा किए शुभ कर्मों का अभिमान और अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का दुख हर मनुष्य के मन में पीड़ा देता है। अभिमान आएगा तो याद रहे एक दिन वो भी चकनाचूर हो जाता है। और जो दुख ग्लानी की अनुभूति हमें आती है कि ये मैंने क्यों कर दिया, वो भी हमको तोड़ के रख देती है, हमारे मन को बहुत दुख देती है कि हम जो कर चुके हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। और आज के इस समय में जितना जितना सोचते हैं ये गलत हुआ ये गलत हुआ, तो आदमी अंदर टूटता चला जाता है, कभी कभी तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। मन में इस ज्ञान की अग्नि को जगाओ, आज से पहले किए गए समस्त कर्म इस ज्ञान अग्नि में मैं अर्पित करता हूँ, मेरे शुभ अशुभ कर्म सब मेरे नहीं हैं, ये जिस शरीर और मन के द्वारा हुए हैं वह शरीर और मन उसका भोग भोगेगा तो भोगेगा, ये मैं जब उन कर्मों का करता ही नहीं रहा तो उन कर्मों का मैं भोगता कैसे हो सकूँगा। कर्म मन से किया था तो फल भी मन को भोगना पड़ता है, कर्म शरीर से किया था तो उसका फल भी शरीर को भोगना पड़ता है, पर शरीर से और अपने मन से जब हमने आसक्ति के संबंध को तोड़ दिया तो फिर मन में क्या घटित होगा उसकी जिम्मेदारी मन की रह जाएगी, फिर मेरी नहीं रह जाएगी। जैसे हम फिल्म के पर्दे पर कुछ देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, और देखते समय पर वहाँ अच्छा बुरा शुभ अशुभ सब होते देखते हैं, और हम किसी भी चीज़ के साथ अगर जुड़ गए तो वहाँ भी बड़ा दुख होने लग जाता है कि ये ड्रामा का जो कैरेक्टर है ये दुखी है, ये मर गया, इसके साथ धोखा हो गया, इसको बड़ा अच्छा हो गया। तो टीवी में दिखते हुए उन दृश्यों के साथ भी जब मन जुड़ जाता है तो उन काल्पनिक चित्रों और काल्पनिक ड्रामा में आए हुए उन कैरेक्टर्स के साथ भी हम दुखी सुखी होने लग जाते हैं। लेकिन अगर मन में ये ख्याल आ जाए, क्योंकि हर सीरियल से हर फिल्म से पहले एक स्टैचुचरी वार्निंग एक दी जाती है, एक डिक्लेरेशन दी जाती है कि ऑल द कैरेक्टर्स स्टोरी नेम्स प्लेसेस सीन इन दिस मूवी आर फिक्टिशियस, ये सब दृश्य नाम घटनाएं काल्पनिक हैं, अगर संजोगवश किसी के साथ जुड़ जाएं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब उन्होंने घोषित कर दिया कि ये काल्पनिक है, लेकिन फिर भी उसको देख करके रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जैसे कुछ एक हॉरर फिल्म बनाने वालों ने ये दावा किया था कि हम 1,00,000 रुपया इनाम देंगे अगर हमारी पिक्चर आप अकेले सिनेमाघर में बैठ के देख सको, तो कि लोग जो है वो इतना डरे, इतने घबराए, इतनी पीड़ा में आ जाते थे, एक आद को हार्ट अटैक हो गया था। तो उसके बाद तो डायरेक्टर ने कि मेरी डायरेक्शन का कमाल देखिए कि तुम अकेले बैठ करके सिनेमा हॉल में इस फिल्म को नहीं देख सकोगे, क्यों, वहाँ पर्दे पर आए हुए उन भयंकर दृश्यों को देख करके लोग इतना डर गए कि चीखे मार के सिनेमा हॉल से बाहर भाग जाते थे। पर फिर कुछ लोगों ने कहा हम देख सकते हैं, वो चले गए और उन्होंने पूरी फिल्म देखी,
डायरेक्टर से पैसे भी ले लिए और उन्होंने एक बात कही कि देखो जब हम सिनेमा देख रहे थे उस समय पर हमको बार बार सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी पड़ रही थी, ये झूठ है, ये प्रोजेक्टर रूम से आ रही इन धूल कणों में वो जो रिंग दिखती है पूरी, वो जो लाइट आ रही होती है, ये सारा उसके द्वारा बनाया गया दृश्य है, सच में इस पर्दे पर कुछ भी नहीं। और जब भयंकर आवाज़ें आती थी, साउंड्स आते थे, तब अपने मन में बोले हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र किसी को प्रिय होता है वो बोले हम अपना अपना मंत्र कर लेते थे ताकि ध्वनि पर ध्यान न दे। लाउड या सडन, सॉफ्ट टू सडन, वेरी जोल्टी एंड हायर डेसिबल साउंड आने पर हमारी जो स्पाइन है वहाँ से रिफ्लेक्सिस चलने लग जाते, तो शरीर को एक झटका लग जाता है। आप मन से ना भी डर रहे हों तो भी शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन मन अगर साथ में जोड़ दो तो वह परिवर्तन शरीर तक शायद रह जाए लेकिन वो मन तक नहीं आता। जैसे छोटे छोटे बच्चे कई बार अचानक से पीछे से ऊंची आवाज़ करके डराते हैं, भाई बहन तो डर जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ को या पिता को डराने जाए तो वो तो डरते नहीं पर डरने की एक्टिंग करते हैं कि बच्चा उससे खुश हो जाता है, मैंने आपको डरा दिया। जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो दिखा वो असत्य है, ये जानते ही भय मुक्त हो जाता है दर्शक। ऐसे ही ज्ञान की यह समझ जिसके चित्त में आ जाती है कि आँख से मैं जितना संसार देख रहा हूँ सब मिथ्या है, अब इसमें जो भी हो, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, उसके प्रभाव से मेरा मन मुक्त हो जाता है। दैट विल नॉट डिस्टर्ब माई माइंड। तो ज्ञान की इस होलिका को जिसने अपने मन में जलाया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत बात होती है कि उसके तमोगुण का पाप ताप रूपी राक्षस तो जल मरता है और भक्ति रूपी प्रहलाद जो है वो एकदम बढ़िया से जय जयकार करता हुआ सारा संसार इस प्रहलाद, प्रहलाद मतलब भक्ति, प्रहलाद आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, प्रह आह्लाद मतलब अति आनंद, जहाँ अति आनंद होता है उसका नाम प्रहलाद है। ज्ञान की अग्नि जब हमारे मन में जलती है और हम उस ईश्वर के रंग में रंगे जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या आता है, आनंद। और उसी आनंद की प्रखरता, उसी आनंद की जो गाढ़ता है, उसी का नाम प्रहलाद है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सब अपने अंदर के उस प्रहलाद को जन्म दे सकते हैं जो अभी बहुत अंधकार में, अज्ञान में लिपटा पड़ा है, अंतर की उस भक्ति को, अंतर के उस प्रेम को जागृत करने के लिए ज्ञान रूपी इस होलिका को जलाना बहुत आवश्यक है। इसलिए परंपरा से पूर्णमासी को होलिका जलाई जाती है, पूजी जाती है और उसके अगले दिन जो रंग जो है वो खेले जाते हैं। बहुत लोग इसको नहीं जानते, बहुत लोग इस बात को जानते हैं। ज्ञान के मार्ग में हम ये बाहरी कर्म कांड को खुद नहीं करते हैं, इसलिए आपसे करवाते भी नहीं है। बाहरी कर्म कांड के साथ जो उसका आंतरिक अर्थ होता है, मेरी इच्छा ये होती है आप उस अर्थ को समझो। अब बाहर होलिका जलाना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर लेगा, आसानी से हो जाएगा, बच्चे भी कर लेंगे, खेल की तरह ही कर लेंगे। यू डोंट हैव टू डू टू मच वर्क। कुछ लकड़ियाँ, कुछ गाय के गोबर के उपले चाहिए, आग चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए तो जला लो, लेकिन अपने मन में वैराग्य और ज्ञान की होलिका जलाना, उसमें अब दम लगता है, उसमें पुरुषार्थ होता है, उसमें हमारी एफर्ट्स भी लगती है। और ये वही कर सकता है जो बुद्धिमान है, जो मूढ़ है वो नहीं कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आंतरिक इस होलिका को जलाने की इच्छा आपके अंदर आ गई तो निश्चित जानना तुम पहले से ही बुद्धिमान हो, नहीं तो मेरी ये बात तुम्हें समझ भी ना आती।
आज अगर पहली बार भी ये बात सुनी है तो एक बीज तुम्हारे मन में मैंने आज डाल दिया है कि अगर अंदर ज्ञान की ये होली, वैराग्य की ये होलिका हमने जला दी, तो इस जन्म के ही नहीं, अनंत अनंत जन्मों के किए गए पाप पुण्य के कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं, हम सर्वथा बंधन मुक्त हो सकते हैं और अपने आप को नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध जान सकते हैं। कितना आसान है, कितना सुंदर भी है ये। यह शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज का है। आप कहते हैं, रंगे का क्या रंगिए, जो रत्ते रंग लाए जियो। जो रंगा जा चुका है प्रभु तेरे प्रेम में, उसको हम अब और कैसे रंग सकते हैं। रंगन वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो। जिस परमात्मा ने, जिस गुरुदेव ने मुझको इस रंग में रंगा है, मैं नित्य उनकी सेवा करता रहूं और नित्य अपने मन को, अपने चित्त को उस सच्चे के साथ में जोड़ के रखूं, बस यही इच्छा करता हूं। कच्चा रंग कुसुम्ब का थोड़ा दिन चार जियो। कुसुम्ब फूल से जो रंग निकलता है वो अभी लगा और इधर धो दो तो चला जाता है। संसार उसी कुसुम्ब के फूल जैसा है जिसका रंग कच्चा है। आप कोई भी रंग होली पे रंग खेले जाते हैं, आप कोई हरा नीला पीला गुलाल रंग लगा लीजिए, धो लीजिए, साफ हो जाता है। कच्चा रंग कुसुम्ब का थोड़ा दिन चार जियो, ये चार दिन का रंग है। विण नावे प्रम पुलिया ठग मुट्ठी कुड़ियार जियो। अंतर उस नाम के बगैर सारा संसार किस भूल में पड़ा हुआ है, ठगे गए हैं ये अपने ही अज्ञान के द्वारा। कुड़ियार जियो अर्थात कूड़ संसार में, झूठ संसार में मन को जोड़ करके खुद भी झूठे हो गए हैं। सच्चे से तीरत्या जन्म न दूजी वार जियो। और जो सच परमात्मा के रंग से रंगे जाते हैं, फिर उनका दोबारा कभी जन्म नहीं होता। चारे कुंडा जे पवे बिन पागा तन नहे जियो। जैसे आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन परमात्मा के उस आनंद की अनुभूति हर एक को सहजता से नहीं मिल सकती है। अवगुण मुट्ठी जे फिरे बदिक थाए न पाहे जियो। अपने अवगुणों से भरा हुआ मन संसार में भटकता है और उसको कहीं चैन नहीं मिलता। जैसे शिकारी शिकार कर देता है, ऐसे ही वो अपने अज्ञान और अहंकार का शिकार हो जाता है। गुरु राखे से उबरे शब्दे रत्ते मन माहे जियो। पर जिसको गुरु कृपा करके, परमात्मा कृपा करके तार देता है, वो उभार लेता है, उनके मन शब्द में जुड़ जाते हैं, उनका मन परमात्मा के उस दिव्य नाम में एक हो जाता है। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो। होली में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं कि जब रंग लगेगा उन पर तो बहुत सुंदर, पुराने नहीं नए कपड़े पहने जाते हैं। पर इस पर भी गुरुदेव एक छोटा सा अपना मत कहते हैं। वो कहते, तुमने कपड़े तो सफ़ेद कर लिए, सात्विकी दैवीय रंग होता है सफ़ेद, पर मन तेरा कठोर है, मन तेरा पाप से भरा है। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो। तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मन जिनका बुरा है उनकी वाणी पर ईश्वर का नाम कभी नहीं आता है और वो हमेशा दूसरों का माल लूटने की सोच रखते हैं, उनको वो चोर कहते। मूल न बुझे अपना, हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ये शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कुछ नहीं जानता है। से पशुआ से टोर जियो। वो पशु है, टोर है, टोर माने डंगर है वो। देखिए श्री गुरु नानक देव महाराज के शब्द थोड़े से कठोर प्रतीत तो हो सकते हैं, पर वो सत्य वर्णन कर रहे हैं कि जिसने अपने अंदर उस नाम की प्राप्ति नहीं करी है, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी है, वो पशु है, वो बुद्धि से पशु है, वो बुद्धि से डंगर है।
बाकी वाला तलबिये सिर मारे जंदार जियो, लेखा मंगे देवना पूछे कर विचार जियो। हम कितने कर्म कर लें सोचते हमें कौन पूछेगा, पर तुम भूल गए तुमको पूछने वाला तुम्हारे ही अंदर बैठा है। लेखा वो मांगेगा, देना भी पड़ेगा, और विचार कर कर के तुमसे पूछा जाएगा, तो सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शन हार जियो। सच्चे बनो, नाम वाले बनो, प्रभु प्रेम वाले बनो, उसकी चरण शरण ले लो, फिर तुम उबर जाओगे। उबर जाओगे मतलब एक तो डूब गया एक उबर गया, एक डूब गया एक तर गया। नदर प्रभु ते छुट्टी है, नदरी मेल मिलाए जियो। तुम्हारी नजर परमात्मा से दूर हो गई है, इसको वापस उसके ऊपर ले जाओ। जो नजर आज संसार को देख रही है, इस नजर को मोड़ो, संसार से पीछे घुमाओ और अपने अंदर ले जाओ। क्योंकि अपने अंदर जब तक नहीं दिखेगा, तब तक सर्व में वही ब्रह्म है, ये कभी अनुभव में नहीं आ सकता है। गाफल ज्ञान विहूण गुरबिन ज्ञान न पाल जियो। गाफल कहते हैं बेहोश। ऐ बेहोश आदमी बिना गुरु के ज्ञान की खोज कर रहा है, कैसे मिलेगा। खिंचो तान बिगुच्चिए बुरा पला दोय नाल जियो। हम कर्म में ऐसे फंस जाते हैं कि कभी पाप गले की फांसी बन जाता है और कभी पुण्य गले की फांसी भी बनता है। कभी सुख हमको बेहोश कर देता है और कभी दुख हमको तोड़ देता है। ये खींच तान चलती रहती है। बिन शब्दे पैर अत्या सब जो ही जम काल जियो। काल सबको खाएगा, ये समय किसी को नहीं छोड़ेगा। पापी हो पुण्य हो, बड़े हो कि छोटे हो, अमीर हो कि गरीब हो, स्वस्थ हो कि रोगी हो, काल किसी को बख्शता नहीं है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये मत भूलना कि अपने इस जीवन के समापन हो जाने से पहले पहले अपने अंतर इस जागृति को हमें प्राप्त करना है। मरोगे ना, दूसरे कहेंगे अच्छा घर बना गया, बच्चे सेट कर गया, चलो लोग बोल रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं हुआ और तुम मर मर आ गए, तो सब कहेंगे जी सारे काम ऐसे ही पड़े थे, मर मर आ गया। एक स्टेटमेंट है जो लोग बोल जाएंगे। एक विधवा स्त्री मुझे कह रही थी कि जब तक मेरे पति जिंदा थे तब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, वो देता ही नहीं था, और जब से वो मरा है जायदाद कुछ एक थोड़ी सी बेची है, अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि जिंदगी में कभी इतने पैसे मेरे पास होते नहीं थे। कहती ऐसे तो वो बहुत अच्छे थे, पर मैं एक बात कह रही हूँ। मैंने कहा बात तो तू बहुत बड़ी कह रही है। कहती जब तक जिंदा था तो मेरे जेब में इतने पैसे नहीं, अब कहती मेरे पास इतने पैसे हो गए, मैं जो चाहूँ करूँ। और मुझे कहती आपका जन्मदिवस आ रहा है, मुझे आपको कुछ देना है, कुछ कुछ अच्छी सी चीज़ ले लो। मैंने कहा दुनिया की जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, उसके अलावा कुछ अच्छा है ही नहीं, इसलिए हम कुछ और खरीद नहीं सकते हैं। अब बोले आप अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा वो जो सबसे अच्छा है वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, कम हो कि ज़्यादा डजंट मैटर्स एट ऑल। जिनकर कारण तारया सबसे दे आधार जियो, सो क्यों मनो विसारिये सदा सदा दातार जियो। जिसने हमको धारण करके रखा है हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। नानक नाम न विसरे नितारा आधार जियो। जिसका कोई आश्रय नहीं ने आधार, प्रभु उसका भी आधार होता है। अब सोचो ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाए कि निराश्रय का आश्रय परमात्मा होता है, तो जीवन में कभी ऐसा लगे हम अकेले हैं, हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, तो बैठ के रोना मत, इस पंक्ति को याद कर लेना। नितारा आधार जियो। निराश्रय का आश्रय ईश्वर होता है। संसार सारा तुमको छोड़ दे, तुम्हारा अपना परिवार तुमसे नाराज होके अलग होके बैठ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है, जब तक मेरा ईश्वर मेरे साथ है, हम कभी अकेले
कभी शक्तिहीन कभी बेबस हो नहीं सकते। रंगे का क्या रंगिए जो रंगा जा चुका है। एक छोटी सी बात कह के फिर शब्द गायन करूंगी। एक हमारे घर में संत आते थे, ग्रस्त थे, हम लोग उन्हें महाराज जी बुलाते थे। महाराज जी को एक बार पूछा गया, महाराज जी नारंगी बहुत अच्छी आई है, आपके लिए ले आए, खाएंगे आप? वो कहते उसको क्या खाना जो रंगी ही नहीं गई। नारंगी जो रंगी ही नहीं गई उसको क्या खाना, हमको खिलाना ही है तो संतरा खिलाओ। संग तरा, संग एसोसिएटेड, तरा द वन हु गॉट सैल्वेशन, द वन हु गॉट मोक्षा बाय बीइंग एसोसिएटेड विद सम ज्ञानी गुरु, संतरा। तो उसका अर्थ उन्होंने किया संग तरा, वो जिसके संग लग के तर गया है। बोले हम संतरा खा सकते हैं, हम नारंगी नहीं खाएंगे। मैं बच्ची थी, छोटी थी, पर इतनी बात मुझे तब भी समझ आ गई कि ये कितना सुंदर इन्होंने बोल दिया। बोले हम नारंगी जो रंगे नहीं जाते हैं ना, हम उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, तो नारंगी नहीं संतरा खिलाओ। बड़े प्यारे प्यारे अर्थ। संत लोगों के पास एक बड़ी विशेषता होती है कि वो शब्द का ज्ञान बड़ा गहरा रखते हैं और हर शब्द को उसकी गहराई में समझते हैं और उस अर्थ का एक आध्यात्मिक कलर जो वो लेके आते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चलिए अब शब्द को श्रवण करें। रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगन वाला सेविए रंगन वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो, रंगे का क्या रंगी है, रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो।